नमस्कार दोस्तों, रागनी जी कड़ी भजन जागरण चरकुला सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल देशवाल डीजे साउंड कठुमर को सब्सक्राइब करें। और ऑपरेटर देवेंद्र देशवाल, मोबाइल नंबर 9680582626। एडिटर लक्ष्मण सिंह। श्रोता बंधु, इस झिकड़ी प्रांगण में जितने भी श्रोता बैठे हुए हैं, आवाज को सुनती हुई इस पृथ्वी का श्रृंगार व गंगा जमुना के जैसी पवित्र मेरी माताएं बहनाएं, आप सभी के चरणों में चंद्रवीर गौड़ा अलीगढ़ की तरफ से हाथ जोड़कर नमामि नमस्कार बढ़ावा। देखिए सभी कलाकार आपके सामने और बहुत ही अच्छी अच्छी प्रस्तुति दे रहे हैं। आइएगा, दो साल के बाद मौका मिला और गहराई से सुने भैया जी। अभी सुना रहे थे, बहुत अच्छी प्रस्तुति, लेकिन हर कलाकार को आप गहराई से सुनिएगा भैया जी। हर कलाकार के अंदर एक अलग अनोखा व्यवहार चक्र हुआ करता है। आइएगा झिकड़ी के माध्यम से चलेंगे भैया जी। एक भवान के अंदर और हमारे गुरुदेव हरवाल सिंह डिडवाली वालों ने लिखा है और वो लिखा है, और सर्व भैया जी क्या लिखा है, और अपने नते और अपने नते
टाइम सबके लिए बराबर है। और अभी अभी सुन रहे थे बहुत अच्छी प्रस्तुति, लेकिन आप अपने दिमाग को लगाएंगे महाभारत के अंदर एक दिन में बनी भी, और अपने बड़े बृहत्तर श्री को जवाब दे रहा है। एक बात तो भैया, अरे इन भुजाओं के अंदर, इन बाजुओं के अंदर मुझे आज भी ऐसा लगता है कि इतनी ताकत है, कितनी है। अगर आप भी अनुमति हो, आज्ञा हो, तो मैं उस खांडापनी के अंदर जाना चाहता हूं। आज जब इतना बलि भीम ने जवाब दिया, लेकिन आज धर्मराज जवाब दे भैया जी, इतना पूछते हो लेकिन अर्थ में जवाब दिया भैया जी, तरीके से उस बलि भीम ने जवाब दिया। लेकिन सरो भैया कह तो ते सिंह भैया सिर सिंह भैया सही रहे, खून और छावर सी है ये बात तो 100-150 सही थी, लेकिन कोई बात नहीं सुखे भैया जी, कथा के अंदर ध्यान लगाएंगे। आज इतना उस बलि भीम ने कहा, तरीके से बलि भीम ने जवाब दिया, कह लई इजाजत धर्मराज ते, कह लई इजाजत धर्मराज ते भीम सेन हरतो, अरे चलती बेर भीम ने कोई लीनी गदा। आज उस बलि भीम ने और गदा को कंधे पर रख लिया और खांडा बलि के अंदर जा रहा है। और सरो भैया जी कैसे जा रहा है सड़क, सिरी कत्ते खेल रचायो के नचनी गई पानी में।
अर्थ में जवाब दिया भैया जी, मेरी कथा आपकी समझ में खुद पे खुद आएगी। क्या बहे पसीना भीम के तन से, बहे पसीना भीम के तन से, रहिया प्यास सताइए, अरे हाल भयो पे हाल धूप से गयो संतड़िंग। क्या भीम सैनियों, क्या भीम सैनियों संत से बोलो पानी, अरे बाबा वो प्यास है ठंडो। इस तरीके से आज वो बलि भी और जवाब दे रहा है। और ये 100 रुपए का पुरस्कार उदय सरपंच साहब तो सारी वाली देते हैं, बार बार धन्यवाद। आज वो बलि भी इस तरीके से जवाब दिया, लेकिन सुनेंगे भैया जी चौक के बाद। कुछ संगीत की कसक हुआ करती है, केवल जिक्री का मेला लगा है आपने, जिक्री सुनेंगे भैया जी। और ये 100 रुपए का पुरस्कार पालाराम ठेकेदार जी देते हैं, बार बार धन्यवाद। उस संत को जवाब दे रहा है, एक बात तो मुनिवर, अरे शाम होने को है, रात्रि होने को है, अगर आपकी अनुमति हो, आज्ञा हो, तो आपकी इस कुटिया के अंदर ठहर सकता हूं। आज जब इतना कहा, लेकिन बलि भी जवाब दे रहा है, और सर्वो भैया जी मराठी के माध्यम से जवाब देगा। चश्मा वाले, इस बात को कौन जवाब दे रहा है, इस बात को बलि भी जवाब दे रहा है संत से, कैसे भैया जी। अरे दिन छ
राम शर्मा जी दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। हरिचरण जी जैसी भी धन्यवाद। सभी कलाकार आपको बहुत सुंदर सुंदर सुना रहे हैं। मेरे गुरु ने मुझसे एक ही बात बताई बेटा, किसी भी मंत्र से गा, केवल सत्यता के दायरे में गाना। हर चिकड़ी की मैं धरोहर सत्यकोष हुआ करता है। भैया जी, रामायण के अंदर एक चौपाई आती है, आपने सुना होगा, तृप्ता नाम राक्षसी। आज उमा सीता लंका के अंदर और उस अशोक वाटिका के नीचे बैठी हुई है। आज वो तृप्ता नाम की राक्षसी और मां सीता को जवाब दे रही है। मां सीते, आज हमने एक सपना देखा। सपना देखा? क्या सपना देखा? आज वो राक्षसी और मां सीता को अपना सपना बता रही है। और कैसे बता रही भैया जी? शब्दों पर गौर करेंगे भैया जी। अरे रोई त्रिचट्टा कहे सियाते, मेरे थर थर कपे शरीर, रात में सपनों रे देखो Thank you.
रहे हो तो देख के ना कितना बड़ा लेकिन भैया जी Yeah!